हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड नमित जोशी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग निकल चुके हैं सबसे पहले तो ऑफिस की तरफ, और नज़ारे आपके सामने कुछ ऐसे हैं। मौसम में ठंड पकड़नी स्टार्ट कर दी है और आप देखो फॉग भी होने लग गया, और आई थिंक फॉग इस तरफ थोड़ा ज़्यादा है, सो मैंने शायद ये डिसीजन थोड़ा गलत तो नहीं ले लिया। चलो कोई नहीं, फॉग में भी देखते हैं। सो आज की जो कंटेंट है या जो जिस टॉपिक पे वीडियो है वो थोड़ा सा अलग है उसके टॉपिक से। मैं बात करने वाला हूँ टाटा पंच की मार्केट हाइप की, या फिर रियल लाइफ में गाड़ी प्रैक्टिकल है या नहीं। ठीक है, तो ये ना एक यूज़र रिव्यू समझ लो आप, मोर ऑफ अ कि अगर हम प्रैक्टिकली इस गाड़ी को बात करें डे टू डे लाइफ में, चाहे वो पहाड़ों पे चलानी हो चाहे वो शहरों में चलानी हो। ठीक है, बिकॉज मैं ना कुछ वीडियोस में अपने देख रहा था, कमेंट्स आए हैं जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन है कि पहाड़ों में उनको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। वहीं पे कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जो खुद पहाड़ में रह रहे हैं और वो इस गाड़ी को चला रहे हैं, एंड दोज गाइज आर इन्जॉइंग अलॉट। ठीक है, सो मिक्स ओपिनियन बहुत ज़्यादा आए हैं कॉमेंट्स में कि भाई, तो इससे क्या होता है ना, जिसको एक्चुअली में खरीदनी है वो कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई हमें एक्चुअली में लेनी चाहिए या फिर क्या सीन है। पहले ये सेट करें यार, कैमरा बड़ा हिलता रहता है। आप देखो फॉग कितना हो रहा है यार, ठंड पकड़ ली हुई दिल्ली NCR ने, अब शीत लहर जिसे बोलते हैं। ठीक है, सो गाड़ी को हल्की स्पीड में ही चलाएं, अगर इनकेस आपके शहर में भी यही है तो कुछ ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा फॉग कहीं होता है तो मेक श्योर कि फॉग लैम्प आप अगर हैं तो लगा दें, नहीं है तो गाड़ी की स्पीड में थोड़ा कम रखें, एंड जो हजार्ड बटन है उसे दबा के चलना है अगर बहुत ज़्यादा फॉग है। चलो ऑन दैट नोट, चलो फटाफट गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल है रियल लाइफ में या मार्केट हाइप है सिर्फ। देखिए, व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस कार, सो मैं पहले सिटी पे आता हूँ फिर मैं माउंटेन्स पर आऊँगा, कि जो पहाड़ में लोग रह जाना चाहते हैं या पहाड़ में रहते हैं उनके लिए कैसी होगी। सो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करते हैं। सबसे पहले सिटी की बात करते हैं। देखो, मैंने इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा सिटी में चलाया, जितना मैंने पहाड़ों पर भी नहीं चलाया। ठीक है, मतलब पहाड़ों में ये समझ लो अगर 5000 किलोमीटर है तो सिर्फ 1000 पहाड़ों पर चली होगी, 4000 इसकी सिटी पे ही है। तो सिटी का तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। देखो सिटी में क्या होता ना, जितने भी ये मार्केट के पॉइंट्स है कि यार 3 सिलेंडर है, पावर की कमी है, टाटा को बड़ा इंजन देना चाहिए था, गाड़ी का वजन ज़्यादा हो गया, बॉडी टू वेट रेशो बहुत ज़्यादा है, सो ये चीज़ें एक हद के बाद आपको मैटर ही नहीं करेंगी। ये मेरे से लिखवा लो आप। ठीक है, मैं हर पॉइंट पर आऊँगा, डिज़ाइन लुक्स इंजन वो सब, लेकिन मैं आपको सबसे पहले वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप महसूस करोगे, जो मैं ऐसा यूज़र महसूस करता हूँ। एक स्टेज के बाद जब आप पहुंच जाओगे 5000 किलोमीटर पे, चलो गाड़ी आपने ले ली, शुरुआत का जो 1000 से 2000 किलोमीटर होगा ना, वहां पर आपको ये महसूस तब होगा जब आपने इससे पहले कोई 4 सिलेंडर गाड़ी चलाई है। अगर आप एक उन यूजर्स में से हैं जिसकी ये फर्स्ट कार होने वाली है और इसके पहले आपको कोई तजुर्बा नहीं है ड्राइविंग का मेरी तरह बिल्कुल, तो यकीन मानो आपको ये एहसास ही नहीं होगा 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर जो आप सुन रहे हैं इंटरनेट पर, जस्ट बिकॉज गूगल में ये यूट्यूब पर किसने ये बोल दिया कि भाई 3 सिलेंडर है, नहीं 4 सिलेंडर देना चाहिए था, डजंट मेक एनी चेंजेस इन द कार, ना ही कोई टाटा उसमें चेंज करने वाला, ना ही उसकी पावर करने वाली, जो है यकीन मानिए फार फार बेटर है काइगर के और निसान के नेचुरली एस्पिरेटेड 1 लीटर पेट्रोल इंजन से। मैं टर्बो एयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचुरल जो पेट्रोल इंजन है उनकी बात कर रहा हूँ। एंड उसी में ये गाड़ी ज़्यादा BHP भी देती है, उसी में ही ये गाड़ी ज़्यादा पावर डिलीवर करती है, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप इस चीज़ को ना तब महसूस करेंगे जब आपको एक माइंडसेट हो जाता है। कहते हैं ना कि मेरे पैर में दर्द हो रहा था हल्का सा, मैंने ध्यान दे देके वो इतना बढ़ा दिया कि मुझे डॉक्टर पे जाना पड़ गया, जस्ट एन एग्जांपल। तो वही सीन है, अगर मैं गाड़ी को चलाते वक्त एकदम साइलेंट कर दूंगा सब कुछ और ये चेक करूंगा मेरी गाड़ी में इंजन नॉइस कितनी आ रही है, या फिर मैं खाली रोड देख के पूरा पंजा दबा के भागता रहूंगा और उसको जज करता रहूंगा हर पॉइंट पे, तो एक स्टेज पे मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा कि मेरी गाड़ी सही है गलत है। ये मेरा समराइजिंग पॉइंट है इस गाड़ी को लेके, कि भाई अगर आप इतना ज्यादा नोटिस करोगे तो कमियां हर गाड़ी में कोई से उठा लो। आप महिंद्रा की XUV300 उठा लो, आपको लगेगा यार इतनी महंगी हो, कितने फीचर्स नहीं दिए। आप काइगर उठा लो, आपको यार 1 लीटर इंजन है। आप निशान उठा लो, बोलोगे 1 लीटर इंजन है। आप ये उठा लो, क्या कहते हैं अपनी बलेनो, या फिर सॉरी ये कौन सी आती है हैचबैक में, एल्ट्रॉज उठाओगे तो बोलोगे यार इंजन की कमी है, फीचर ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, जो प्राइस आप पे कर रहे हैं कंपनी उसमें आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी, बट आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फीचर मिल रहे हैं, कौन सा ब्रांड आपके दिल में है कि मैं ये गाड़ी चाहता था, और कहाँ पर आपका डिजाइन में जो लुक्स में डिजाइन में दिल जा रहा है वहां पर आप संतुष्ट हो रहे हैं। ये इस गाड़ी का समराइजिंग पॉइंट है। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा कुछ डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू टाटा पंच। बाकी अगर आपको बहुत सारे डाउट्स हैं
ऑलमोस्ट टॉपिक पे, तो मेरे चैनल से ज़्यादा वीडियो भी आपको कहीं नहीं मिलेंगी हर पॉइंट के ऊपर। मैंने इनफैक्ट इंटीरियर से लेकर आउट ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक एक यूज़र को देखने चाहिए वो उसमें आपको मिल जाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अरे वाह यार धूप आ गई, चलो अच्छा ही है। सेकेंड चीज़, इसके बाद अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गाड़ी फुली प्रैक्टिकल है, आपको कोई भी कमी नहीं महसूस होने देगी ये गाड़ी। अब मैं चला रहा हूँ, चौथे गियर पे गाड़ी चल रही है, 50-60 की स्पीड है। मैं मानता हूँ कि मैं धीरे चला रहा हूँ, खाली रोड है, बट ये मेरी चॉइस है। बहुत से लोग हैं यार नहीं पसंद करते इस लोग गाड़ी, पंजा दबाना है तो वो अलग इंजन है, उसके लिए अलग पैसा आपको पे करना पड़ता है, हालांकि चल तो यहाँ भी जाएगी। सेकेंड पॉइंट, सिटी के हिसाब से इस गाड़ी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, नॉट इवन अ सिंगल परसेंट, गाड़ी एक नंबर है। और वो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप बजट टाइट में है तब भी आपको ये बेस्ट एक्सपीरियंस देने वाली है बेस मॉडल्स में। अगर आप बजट सेंट्रिक नहीं है, आपको ठीक है यार मैं 9-10 लाख पे दूंगा, तो मैं ये कहूँगा जो टॉप मॉडल है क्रिएटिव, वो इतने अच्छे फीचर्स के साथ आता है। सेकंड पॉइंट, जो गाड़ी टॉप मॉडल लगती है ना, पीछे से वाइपर देके पीछे का लुक समझ जाता है, मतलब जो रियर वाइपर डिफॉगर ये सब हैं जो है, ये पीछे जो एम्प्टीनेस है ना इस गाड़ी में, एम्प्टीनेस वो भर देता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस। एंड सेकेंड, शहर के हिसाब से जो आपको स्पीड चाहिए, शहर के हिसाब से जो आपका काम है, देखो कभी कभी पहाड़ों पे घूमने जाएगी आपका 4-5 लोगों का परिवार है, ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये चीज़, तो निश्चिंत होकर रहें। और देखो पहाड़ों में ना सिर्फ एक गियर या दूसरे गियर पे ही गेम खेलना होता है, तीसरे पे खेलना होता है, चौथे पे तो आप रेयरली चला पाओगे, बहुत रेयर कि आप किसी पहाड़ी लंबे हाईवे पे हैं और बिल्कुल सीधा रास्ता है, वो बहुत रेयर मिलता है और हर जगह है भी नहीं। ज़्यादातर पहाड़ों का रास्ता गोल गोल घूमने वाला है, जैसे ही थोड़ा सा पावर लोगे यू टर्न आ जाएगा, सीधा गियर दूसरी पे, या फिर और खींचना पड़ा तो पहली पे भी जाएगी गाड़ी। और वो सिर्फ इसी के साथ नहीं है, वो हर गाड़ी के साथ होता है। टर्बो इंजन कहाँ काम आता है, जहाँ पर वो टर्बो की स्पीड पकड़ पाएगा, टर्बो की भी एक स्पीड होती है, टर्बो ऐसा नहीं कि आपने पंजा दबाते टर्बो पकड़ लेगा, हर गाड़ी में एक ओपनिंग स्पीड होती है टर्बो की, चाहे वो मैग्नाइट हो चाहे वो काइगर हो कुछ भी हो। सॉरी फॉर दिस, बार बार बम्प आने की वजह से कैमरा नीचे गिर जाता है, ठीक है। अरे यार शहरों में कोई गोरा नहीं है, दिस इज नाइस। प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट से अगर आप शहर में इस गाड़ी को जज करने वाले हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, या फिर आप जो भी हैं, जो भी यूज़र हैं इसके, जो भी मेरे चैनल में सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं इसको सिटी में रन कर रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा ना, जो यूज़र इस वीडियो को देख रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं, कंफ्यूजन है, उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत सही चल रही है एंड लोग सेटिस्फाइड हैं। ऐसी नहीं गाड़ी 12-12 हज़ार बिक रही है, मार्केट हाइप का अगर हम बोले तो मार्केट हाइप, चलो यार गाड़ी है, मार्केट हाइप इसकी बन सकती है कि लुक्स अच्छे हैं, मार्केट हाइप इसकी बन सकती है कि यार टाटा का प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है, ले लो। लेकिन जब आप शोरूम में जाओगे और प्रैक्टिकली गाड़ी को चलाओगे, खुद टेस्ट ड्राइव लोगे, नहीं तो जो आपको नहीं आती तो आपके साथ जो आएंगे वो चला के देखेंगे, आप समझ जाओगे रियलिटी गाड़ी की। यार मार्केट हाइप इन चीज़ों की तब बन सकती है जब ये ऐसी चीज़ें हैं कि यार आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आपने यूट्यूब में देखा और आपने ले ली, बट ऐसा कहीं नहीं होता। कोई भी जाएगा गाड़ी में बैठ के चला के टेस्ट ड्राइव, लोग 3-3, 4-4 बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं कि नहीं यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर गाड़ी डिमांड में है, सेल हो रही है, तो कुछ तो ऐसा होगा जो बाकी फीच कंपनियां दे रही हैं उनमें भी नहीं है। सेफ्टी ले लो, लोग बोल रहे सिर्फ सेफ्टी, मैंने एक वीडियो देखी थी, मतलब यूजुअली जो टाटा पंच की वीडियो बनती कि यार सिर्फ सेफ्टी से ही कुछ नहीं होता, टाटा फीचर भी बहुत सारे दे देते तो अच्छा था। मैंने कहा यार विच इज़ फाइन, मैं एग्री करता हूँ, आई डोंट सेइंग कि हाँ नहीं है नहीं है, बट यार सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। इस गाड़ी की यूएसपी सेफ्टी है, मैं ये कहता हूँ कि आपको इस प्राइस पे और कोई भी गाड़ी इतनी सेफेस्ट नहीं मिलेगी। 5,90,000 या 99,000, 6 लाख की स्टार्टिंग प्राइस में सेफेस्ट कार है ये, 5.5 रेटिंग के साथ, बेस मॉडल भी ले लो तब भी कह रहा हूँ। सो जो है सो है, ठीक है मानते हैं फीचर कटिंग हो गई, मैं मानता हूँ सिलेंडर कम है, सिलेंडर एज इंजन सिलेंडर कम है, तो वो चीज़ें हैं। और देखो इस प्राइस पे कटिंग होगी, अगर टर्बो दे देते हैं तो बहुत सारे फीचर कट जाते हैं। आप मैग्नाइट टर्बो को ले लो, 9 लाख 9.5 लाख तक जाती हैं वो वेरियंट्स। आप काइगर टर्बो को ले लो, वो भी 9 लाख से देगी, तो यार वो चीज़ें भी देखो ना, और कितने फीचर कट जाते हैं उसमें। टर्बो इंजन में आपको नॉर्मल वाला म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, टर्बो इंजन में आपको क्या कहते हैं जो बहुत सारे फीचर्स हैं जो 9 लाख रुपए में इंसान ये कैसे कस्टमर आप डिजर्व करते हैं वो कट जाते हैं, वहीं 9 लाख में आप इसका वेरियंट ले लो या और भी गाड़ी के और वेरियंट ले लो जो नॉन टर्बो है, आपको फीचर्स की भरमार मिल जाएगी। तो ये चीज़ है, देखो बिकने को हर चीज़ बिक रही है, काइगर भी खूब बिक रही है, मैग्नाइट भी बिक रही है, ये भी बहुत ज़्यादा बिक रही है। सो इतनी कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है कि आप कोई डाउटफुल होके प्रोडक्ट को ना खरीदो कि यार यू नो 3 सिलेंडर है मेरे लिए परसेंट, अच्छा टेस्ट ड्राइव ले लो। पॉइंट इज दिस ओवरऑल।
तो सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई परेशानी कहीं भी नहीं होने वाली, बिकॉज सिटी में आपको ऐसे चलना जैसे हम अभी चला रहे हो। देखो आपके सामने तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल चलते हैं, चला रहे हो, कितने पे चल रही, 30 रुपये चल रही है, 4th पे ले जा लूँगा, 5 रुपये डालूंगा, गाड़ी खड़खड़ करने लग जाएगी कि पिकअप आए ना, मतलब उतनी स्पीड भी तो होनी चाहिए, 3rd 4th पे पूरा गेम खेलना होता है सिटी में आपको। तो ये है सिटी की रियलिटी एक, ठीक है। तो सिटी में आप टाटा पंच को लेने का डिसीजन बना रहे हैं, प्रैक्टिकल गाड़ी है, फैमिली के हिसाब से अगर आपका 4 मेंबर का परिवार है या मैक्स टू मैक्स 5 है क्योंकि 5 सीटर गाड़ी है, और सिटी की यूसेज आपकी 95% है, 5% गांव माउंटेन्स की यूसेज है, तो भाई आंखें बंद करो और ले लो गाड़ी, जाके टेस्ट ड्राइव लो, संतुष्टि लो, फीचर और बजट आपको देखना है, बिल्कुल निराश नहीं करिए आपको ये गाड़ी, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रैक्टिकलिटी में एक चीज़ और आती है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस, कि भाई गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, क्योंकि बड़े बड़े बम्प्स जो है ना वो ही बचाएगा आपको। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना 187 है, बहुत ज़्यादा भी कम, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको जो SUV नुमा फील आती है वो आएगी ही आएगी, रीज़न बीइंग आपकी सीटिंग पोजीशन ऊपर है, सेकेंड रीज़न इज आपके सामने बोनट कम्प्लीटली विजिबल है। तो अगर आप इस गलत फहमी में है कि ये कहीं से भी आपको हैचबैक वाला फील देने वाली है, तो ये बिल्कुल भूल जाएं आप, ऐसा आपको महसूस भी नहीं होने देगी ये गाड़ी, इतना इसका है। तो ड्राइविंग कम्फर्ट, ड्राइविंग के लुक्स में कह लो, ठीक है, ड्राइविंग डायनामिक्स कह लो, जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं इंग्लिश के, सब इसमें आपको फील होने वाले हैं, कोई ऐसी कमी आपको नहीं महसूस होने वाली है। सो विद दैट नोट, सिटी में और कुछ ज़्यादा बचा नहीं कहने को, अभी हम सेकंड वाले टॉपिक पे आते हैं, पहाड़ों पर अगर आप इस गाड़ी को चलाना चाहते हो तब क्या सीन है। सो अगर मैं अभी बात करूँ आपसे माउंटेन्स की, अभी पहाड़ों में अगर आपको गाड़ी चलानी है, देखो दो टाइप के यूज़ हैं, एक आप कभी कभी पहाड़ों पर ट्रैवल करते हैं या किसी भी हिली एरिया में करते हैं जहाँ पर स्लोपी है और पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। एक है आप रहते ही पहाड़ों में हैं, चाहे हिमाचल हो, केरला हो, नैनीताल, उत्तराखंड हो, गढ़वाल, कुमाऊँ, जहाँ भी, ठीक है, पर फिर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पहाड़ों पर, मैं खुद हल्द्वानी का रहने वाला हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है, ठीक है, मैंने गाड़ी को भीमताल रोड पर खूब चलाया है, नैनीताल रोड पर खूब चढ़ाया है, ठीक है, वहाँ पर ये गाड़ी में आपको एक्सीलेटर ज़्यादा देना पड़ेगा, ये सच है। पर सिटी में आपको ऐसा कोई महसूस नहीं होगी इसकी, मैं आपको मतलब हम तो चला ही रहे हैं तो ये चीज़ पता ही है, आपके सामने ही है, लाइव शो करते हैं हम तो रोज, ये देखो सामने, ठीक है। पहाड़ों में इस गाड़ी में आपको जो मैंने महसूस किया है, एक बार क्या हुआ था, हम 7 साल में गए थे, 5 लोग इस गाड़ी में बैठे हुए थे और मैंने AC फुल कर दिया था, और 6 लोग बैठे हुए थे, AC फुल कर दिया था। तो यार देखो 6 लोग बैठ के अगर मैं AC फुल करके एक्सपेक्ट करूंगा पहाड़ों में गाड़ी चढ़ जाए तो वो तो ये गाड़ी कर ही नहीं सकती, तो इसको इसके लिए ब्लेम करना सही नहीं होगा, बिकॉज जो अप्रोच है वो भी गलत है, ठीक है। सो हुआ क्या था, मैंने ये चीज बताया भी है पुरानी वीडियो में कि हम 7 साल जा रहे थे, उसमें 5 लोग की ये सिटिंग है, इसमें 6 लोग बैठे हुए थे, एंड हुआ कुछ यूं कि सडनली जो है वहाँ पर स्लोप आते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड स्लोप आते ही जो है गाड़ी में एकदम AC फुल था और पिकअप की जो सडन शॉर्टेज हमें दिखी और गाड़ी ने थोड़ी उठने में दिक्कत करी थी, बट थोड़ा ड्राइवर के ऊपर भी चलाने वाली बात होती है, मेरे से वो नहीं खींची, बट जब मैंने अपने चाचा जी को वो दिया था, बिकॉज वो बहुत पहले से गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने उसी में खींच दी थी, ठीक है। बट हाँ पंजा पूरा दब रहा था और जो इंजन नॉइज थी वो सामने थी कि भाई गाड़ी वोकल ज़्यादा हो रही है, मतलब फुल पावर उठा रही है, तो AC हमने ऑफ करा, फिर उठा दी और फिर आराम से गाड़ी उठ गई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये था नज़ारा फुल AC के साथ, बट ज़्यादा भी लोग थे तो मैं इस चीज़ को ब्लेम नहीं करूँगा, हाँ लेकिन 5 लोगों के केस में अगर आप AC फुल कर रहे हैं फिर चला रहे हैं तो गाड़ी थोड़ा वोकल ज़्यादा होगी, लेकिन उठ जाएगी, उठने की दिक्कत आपको नहीं आएगी एज सच। सो पहाड़ों में गाड़ी आप उठा लोगे आराम से, पावर इशू आपको डेफिनेटली महसूस होगा जब आप 5 से ज़्यादा लोग बैठा के गाड़ी में चला रहे हो, 5 में भी अगर आप फुल चला रहे हो, AC का टाइम गर्मी का टाइम है, AC आपने फुल कर रखा है तो उठने में आपको दिक्कत होगी, और अगर ये है जो सच है जो मैंने महसूस किया है, 5 लोग फुल AC गाड़ी उठने में दिक्कत करेगी, बिकॉज कंप्रेसर पे भी इंजन पे ही लोड आता है, उसमें स्लोप पे भी गाड़ी चढ़ रही है तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको महसूस होगा यार कुछ ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, और हो सकता है एक स्टेज पे आपको थोड़ा सा AC बंद भी करना पड़े, ठीक है, या कम करना पड़े ताकि लोड कम हो जाए, ये मैंने महसूस किया है, ठीक है, ये मेरे साथ हुआ भी है तो मैं इस चीज़ आपको बता सकता हूँ। बाकी सिर्फ आपको पहाड़ों में चलानी है और आप 2 मेंबर 3 मेंबर के बंदे हो, मतलब जस्ट टेलिंग कि ये आपका फैमिली साइज है, या फिर आप सिंगल हो, खुद के लिए खरीद रहे हो, ठीक है,
कोई परेशानी आपको गाड़ी नहीं देगी। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे मतलब इस YouTube में भी उन्होंने पहले भी कमेंट किए हैं, जो खुद बागेश्वर के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, जो ऑलरेडी बहुत हाइटेड प्लेसेस हैं, ठीक है। सो उसमें भी उन लोगों को अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप उनमें भी अगर वो लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी अच्छे से काम कर रही है, वी आर वेरी सेटिस्फाइड, तो फिर तो पॉइंट ही नहीं है कि हम इस पर कुछ ज़्यादा एम्फोसाइज करें, बिकॉज दे आर पीपल हु आर एक्चुअली एंजॉइंग इट। और बहुत सारे कुछ यूट्यूबर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो वहीं के भी हैं, ठीक है, उस साइड में ही रह रहे हैं और गाड़ी की बहुत तारीफ़ करते हैं कि हमें कोई इशू नहीं आता, या फिर कहीं भी कोई ऐसा मतलब इशू गाड़ी चलने में पहाड़ों में। तो ये अपने आप ही बहुत चीज़ें हैं जो कहती हैं। मैं तो एग्जैक्टली चलो वहाँ नहीं रहता, कभी कभी जाता हूँ या फिर मंथ में 2-3 बार चक्कर लग गए वाला सीन है, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं वो लोग तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहाड़ों में यही नज़ारे हैं, पावर ड्रॉप आपको ऐसा महसूस नहीं होगी अगर बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, फुल आपने एसी कर रखा है, कंप्रेसर पे ज़रूरत से ज़्यादा लोड है, 5 के 5 लोग इस गाड़ी में फिट हैं, तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि हाँ यार मुझे एसी थोड़ा सा डाउन कर देना चाहिए, या एज ऑफ नाउ स्लो पा रहे हैं मुझे बंद कर देना चाहिए। ये मेरा परसेप्शन है, ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ था तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी। एंड सेंस मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ और तो गलत बताना भी सही नहीं होगा, आपको जो भी महसूस हुआ मैंने ऑनेस्ट बताया। तो अगर मैं इस गाड़ी को समअप करूँ, इस वीडियो को समअप करूँ शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, शहर में इस गाड़ी को 10 में से इजीली 8.5 से 9 नंबर मिलते हैं। बट अगर मैं माउंटेन्स पर ले जाऊँ उस गाड़ी को और फुल लोडेड है गाड़ी, ठीक है, तो डेफिनेटली यार थोड़ा पावर ड्रॉप होगा। और वो इसी के साथ नहीं है, वो और भी गाड़ियों के साथ है, बट क्योंकि हाइप है मैंने बताया ना मार्केट में, तो गाड़ी ज़्यादा नज़र में आती है, वरना 3 सिलेंडर तो इससे पहले भी हर गाड़ी में ही थे, इसमें ही सिर्फ ऐसा कुछ नहीं था कि ये इकलौती 3 सिलेंडर की एक गाड़ी निकली हुई है और सही परफॉर्म करती है गाड़ी सिटी माउंटेन्स में, ऐसा आपको दिक्कत नहीं आने वाली। कभी कभी के सिनेरियो है यार, जो बाकी जो प्रो ड्राइवर हैं, देखो चल रही है पहाड़ों में ऑल्टो भी, मैं कह रहा हूँ चल रही है पहाड़ों में ऑल्टो भी, तो फिर तो जब ऑल्टो ही वो वहाँ तक खींच के ले जा रहे हैं फिर तो ये तो पंच है, उससे ज़्यादा बड़ी उससे ज़्यादा पावरफुल इंजन। सो ज़्यादा कंपेरिजन और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये एक्चुअली मुझे किसी ने बोला था, हम लोग वहीं पे थे भीमताल साइड में, तो कोई कह रहा था, कह रहा है देख चल रही है तो पहाड़ों पे ऑल्टो भी, आप इंजन की कमी अगर गिनवानी तो वहाँ से भी गिनवाओ, क्या वो लोग नहीं ले जा रहे हैं गाड़ी को, सबसे ज़्यादा टैक्सी ऑल्टोज है आप देख लो, तो वो चीज़ है। एंड बाकी डिसीजन आपका है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप थोड़ी इसने और हेल्प यू। टिल देन नई वीडियो का इंतजार करें, सब्सक्राइब शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।